ये हो क्या रहा है? तो हमने कहा ये तो जी मामूल की बात है हमारे लिए, आप देख सकते हैं हम में से कोई घबराया नहीं ना ही परेशान हुए, तो ऐसे होता रहता है कुछ जमहूरियतों में। और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हम बाकी टॉक्स हो गए सर इस चक्कर के अंदर। लेकिन देखिए लॉ एनफोर्समेंट को बताया भी कि अंदर यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल मौजूद हैं, जो भी करना है आराम से करना चाहिए, इतनी फोर्स के साथ आके उन्होंने यहाँ तो ग्लास वाले दरवाजे हैं, सब कुछ बच्चों नजर आता है कौन बैठा हुआ कौन नहीं बैठा हुआ। बहरहाल हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें थी, अभी भी हैं, अब हम जा रहे हैं। मुझे तो देर हो गई, आप ऐसे चलते चलते जब शाह साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह जब अल्लाह का हुक्म होगा जल्द। थैंक यू। खान साहब का कल रात को रऊफ हसन साहब के हमले के बाद खान साहब का पैगाम मुझे मौसूल हुआ। उससे पहले तक खान साहब का यही पैगाम था कि तुमने महफूज रहना है क्योंकि तुम पर तशद्दुद होगा। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ उसके बाद मुझे पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है, इसलिए अब मैं आज मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस मौके पर भी मैं ना हूँ उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरिम बेल्स लूँगा, वक्त लूँगा, पेशा पंजाब की कोर्ट से पेश होंगे और आगे अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। कोई सिक्योरिटी नहीं, अल्लाह की सिक्योरिटी है। सब बाहर निकलेंगे अब इंशाल्लाह। तो सर दीजिए लाला, कहना चाहेंगे जो पुलिस ने अभी सेंट्रल ऑफिस पे जाकर रेड किया, क्या कहना चाहेंगे जबकि कल रऊफ हसन साहब पर हमला हुआ, गिरफ्तार करने के बजाय रेड कर दिया? जो रऊफ हसन के ऊपर कल कातलाना हमला हुआ है, उन्होंने सख्ती से ताकीद की थी अपने पार्टी के लोगों को कि आप जाकर इस पे FIR भी कटवाएं और ये बड़ा सीरियस मामला, कातलाना हमला किया गया रऊफ हसन पे और आज हम उनको जेल से निकल के इमरान खान का कोर्ट केस हियरिंग सुन के हम तो उनके घर जाना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि रऊफ हसन साहब दफ्तर में मौजूद हैं और वो दफ्तर में इस हालत में भी आकर बैठे हुए थे। हम दफ्तर आ गए, अब ये हुआ है कि यहाँ UN की कोई डेलीगेशन आई हुई थी और उन्होंने हवा बोल दिया, हम निकल नहीं सक रहे हैं क्योंकि बाहर पुलिस ने पूरा दफ्तर को बंद कर दिया। हम तो सिर्फ रऊफ हसन साहब की तबीयत नहीं आए थे और इन्होंने बाहर नहीं निकल सकते इस वक्त क्योंकि पुलिस ने सर ये बताएं PTI के रहनुमाओं पर जो जिस तरह से कातलाना हमले हो रहे हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रऊफ हसन साहब इससे पहले खान साहब पर भी कातलाना हमले हो चुके हैं, रेड्स होती हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जुल्म ज्यादती की इंतहा है, बल्ब जब डिस होने पर आता है तो वो ज़्यादा रोशनी देता है और ये आखिरी हद है, इसके बाद कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। मैं समझता हूँ रऊफ हसन जैसे पुरअमान आदमी जिसके अंदर जबान ही ऐसी नहीं है जिससे कि वो किसी को नुकसान पहुँचाए, लेकिन पार्टी के दिफा में या पार्टी के मामलात में बात न करना, वो पार्टी ही क्या है जिसमें आदमी हो और बात ना करे। क्यों न्यायी साहब आप पर भी नैब रेफरेंस दायर हो गया आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से, तो आपकी अभी आगे की क्या हिकमत अमली है? मेरी हिकमत अमली मैं उसको फेस करूंगा। अच्छा, और इंशाल्लाह हमारा दामन साफ है। सर आप पर इल्ज़ाम है कि आपने बतौर वज़ीर आज़म इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जिस पर नैब रेफरेंस दायर हुआ। कोई नहीं, मैं जब मुझे पूछेंगे मैं बताऊंगा मेरे इख्तियारात मैंने कितने अच्छे तरीके से। फारूक हैदर साहब पर भी हुआ है रेफरेंस? ओ, ये फारूक हैदर साहब का मुझे तो नहीं इलम मुस्तराकात है, मुझे अपना पता है कि क्या मैंने क्या किया वहाँ रियासत के लिए।